Hi guys, how are you? So my dear friends, today we are going to start another part of this Indian Penal Code. और आज के इस पर्टिकुलर सेशन का जो टॉपिक है दोस्तों, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है. रीजन बीइंग, हमने कई बार सुना है भाई, उसने एक व्यक्ति ने दूसरे के साथ 420 ही कर दी. ये व्यक्ति तो 420 है, ये सुना होगा सबने, राइट? तो एक्चुअली व्हाई दिस सेंटेंस इज बीइंग सेड, द रीजन इज कि जो चीटिंग है, चीटिंग के जो ये इंडियन पीनल कोड में सेक्शंस हैं, वो 415 से लेकर के 420 तक बताए जाते हैं. तो 420 जो सेक्शन है वो बेसिकली इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है. इसीलिए जनरली हमें ये सुनने में आता है कि ये तो बंदा ही 420 है, राइट? सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज सेक्शंस इन विच वील टॉक अबाउट व्हाट वील टॉक अबाउट चीटिंग. ओके, सो दोस्तों हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है चीटिंग. आइए, अब ये सारे का सारा जितना भी टॉपिक है दोस्तों, हम इसको कैसे समझने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स एज वी ऑलवेज डू, राइट? सो दोस्तों आइए स्टार्ट कर लिया जाए अपने इस पहले एग्जाम्पल को. आइए देखें एक्स क्या कहता है. ही प्रिटेंड्स टू बी इन सिविल सर्विस. वो कहता है कि भाई मैं तो सिविल सर्विसेज में हूं जी, और ऐसा विश्वास किसको दिला देता है? ऐसा विश्वास दिला देता है मिस्टर जेड को, और जेड से कहता है भाई मैं तो सिविल सर्विसेज में हूं, गवर्नमेंट सर्वेंट हूं मैं. अब भाई गवर्नमेंट सर्वेंट है, इतनी बड़ी पोस्ट पर है, तो उसने विश्वास दिला दिया किसको? जेड को. और जेड को डिसीव करने के लिए उसने कहा कि भाई मैं तो इस पोस्ट पे हूं, तो चिंता वाली तुम्हारी कोई बात ही नहीं है. एक्चुअली ही इज नॉट एट दैट प्लेस, राइट? अब वो करता क्या है, उधार पर गुड्स खरीद लेता है. जेड को विश्वास दिलाया कि भाई ये तो भाई जानी मानी हस्ती है, अगर ये गवर्नमेंट सर्वेंट है तो भाई डेफिनेटली पैसे तो दे ही देगा. तो इसका मतलब यह हुआ कि अब जेड को विश्वास आ गया, जबकि एक्स उसे धोखा देना चाहता है, चीट करना चाहता है, राइट? तो जो व्यक्ति बिगिनिंग से ही इंटेंशन लेके आए कि मैंने सामने वाले को धोखा देना है, इसका मतलब कि वो व्यक्ति चीटिंग कर रहा है. तो ऐसे पर्टिकुलर एग्जांपल्स में जहां पर आपको ये नजर आए, कौन कौन सी चीजें, कि एक व्यक्ति कुछ है नहीं लेकिन अपने आप को कुछ और वो साबित करता है कि हाँ जी मैं तो ये हूं, और सामने वाला व्यक्ति अगर उसे ये बात बताई ना जाती, विश्वास ना दिलाया जाता, तो शायद वो ये बात ना समझता. अब जिस व्यक्ति ने विश्वास दिलाया, यानी कि यहां पर एक्स, वो जानबूझ करके उसको विश्वास दिला रहा है ताकि उसे वो डिसीव कर सके. तो जब ये काम इंटेंशनली किया जाए दोस्तों, एक्स ने यहां पर चीटिंग की है, राइट? तो आप जब देखेंगे जो भी हम एलिमेंट्स इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में अभी फिलहाल कर चुके हैं, ये आने वाले सभी एग्जाम्पल्स में नजर आएंगे. जी हां, यहां पर उसने गुड्स, प्रॉपर्टी या किसी और चीज को नहीं बताया कि सच्ची चीज को ये दिखाया या झूठी दे दी, ऐसा नहीं किया उसने. प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही यहां पर, खुद उस पर्सन की पहचान की बात हो रही है. तो इसका मतलब यह हुआ कि चीटिंग सिर्फ और सिर्फ गुड्स या प्रॉपर्टी से नहीं हो सकती, व्यक्ति की पहचान से भी हो सकती है, राइट? आगे चलते हैं. तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर टू. अभी तक हमने व्यक्ति की बात की थी, आइए अब चीज की बात कर लें. ए ने कुछ सामान बनाया अपना और उस पर काउंटरफीट मार्क लगा दिया कि जी ये तो नाइकी का प्रोडक्ट है, बनाया खुद और उस पर झूठा मार्क लगा दिया कि जी ये तो नाइकी का प्रोडक्ट है, और झूठे मार्क के साथ उसने ये सामान किसको बेचा? मिस्टर बी को बेच दिया. विश्वास दिलाया बी को कि जी जो सामान आपको दे रहे हैं भाई साहब, ये तो बिल्कुल ही ओरिजिनल है. उसने इंटेंशनली बी को ये सब बताया और विश्वास दिलाया. एंड ही इंड्यूसेस हिम टू बाय, कि भाई आप खरीदो, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, और आपको तो मैं डिस्काउंट भी बहुत बढ़िया दे रहा हूं जी. तो पता चला कि मिस्टर बी उसके द्वारा दिए गए इस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं
और पता लगता है कि इसमें तो ये तो नकली प्रोडक्ट है, असली प्रोडक्ट है ही नहीं। तो अगर ये असली प्रोडक्ट नहीं है तो ये कहा जाएगा कि यहां पर मिस्टर ए ने चीटिंग की। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? अब ऐसा ही एक तीसरा एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स ने सेकंड ग्रेड गुड्स का स्टॉक इकट्ठा कर रखा है, यानी होते हैं ना सेकंड का माल, कुछ कटे फटे पुरानी या रिजेक्टेड या एक्सपोर्ट वाले जो माल जाते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं, कुछ ऐसा सामान उसने बना के रखा हुआ है और उसके स्टॉक में है। अब वो कहता है भाई इसे बेचूं कैसे बढ़िया दाम पे, तो उसने एक बढ़िया सा असली चीज का सैंपल निकाला, बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड आइटम का, और वो फर्स्ट ग्रेड आइटम को मिस्टर वाई को शो कर दिया कि जी हमारे पास ये फर्स्ट ग्रेड के गुड्स हैं, ये देखो सैंपल। तो जो उसने सैंपल दिया वहां तो भैया ये बिल्कुल असली माल दिखा दिया, बढ़िया वाला, लेकिन जो स्टॉक है उसकी इंटेंशन क्या है कि दिखाऊंगा कुछ और बेचूंगा कुछ और। तो यहां पर उसने क्या किया, सेकंड ग्रेड माल दे दिया, एंड ही इंड्यूसेस हिम टू बाय हिज आर्टिकल विद द इंटेंशन टू डिसीव हिम। इंड्यूस किया कि भी खरीद खरीद बहुत बढ़िया है, और वाई उसके कहने पर इसे खरीद लेता है दोस्तों, सेकंड ग्रेड स्टॉक उसे बेच दिया जाता है। अब वाई ने खरीद लिया तो दोस्तों यहां पर मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस्टर एक्स हैज चीटेड। इज दैट वेरी क्लियर? चलिए पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। मिस्टर ए कुछ सामान खरीदते हैं उधार पर, किससे सामान खरीदा उधार पर, मिस्टर बी से कुछ सामान खरीदा उधार पे, तो ये हो गया बायर और ये बी हो गया सेलर। अब ए ने कहा साहब बिल्कुल पे करूंगा, चिंता मत करो आप, आपका सारा पैसा पे करूंगा, ये लो प्रॉमिसरी नोट आपको दे देता हूं, और प्रॉमिसरी नोट पे साइन करके उसने मिस्टर बी को ये दे दिया कि लो जी लो इस डेट पर आके मुझसे पैसा ले जाना। लेकिन मिस्टर ए की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है पे करने की, उसे मालूम है कि आज सामान मैं लूंगा और लेकर हो जाऊंगा रफू चक्कर, मिलूंगा ही नहीं इसे, ढूंढता रहेगा प्रॉमिसरी नोट लेकर के। तो बिगिनिंग से उसकी इंटेंशन क्या थी, धोखा देने की। सो हियर मिस्टर ए हैज डिसीव्ड मिस्टर बी, और जब उसने इंटेंशनली ऐसा किया वी कैन से दैट दिस इज चीटिंग। अब चलते हैं आगे सेक्शन नंबर, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 5। तो एक्स ने वाई से कहा लो साहब ये देखो असली डायमंड्स, जिंदगी में देखे हैं कभी, ये है वो असली डायमंड जो मैं अफ्रीकन माइंस से लेकर आया हूं, ये आपको जिंदगी में कहीं देखने को ही नहीं मिलेंगे, देखो। अब उसने रंग बढ़िया वाले डायमंड दिखा दिए भाई, और असल में वो अंदर से जानता है कि जो भी वो डायमंड्स उसे दिखा रहा है ये सब फेक है। अब जब वो चीज पहले से जानता है कि ये फेक है फिर भी उसे क्या बना के पेश कर रहा है कि ये तो असली है जी भाई साहब। सो यहां पर फेक डायमंड्स को उसने जब कहा कि जी मैं आपके पास इन्हें गिरवी रखना चाहता हूं और बिल्कुल असली डायमंड है, गिरवी रख के आप मुझे इसका इतना पैसा दे दो, सामने वाले व्यक्ति को ज्यादा मालूम नहीं था, उसने कहा ठीक है भाई ये तो लग रहे हैं असली, तो उसने उसे इंड्यूस किया और वाई ने उसे रुपया उधार दे दिया। बाद में अगर ये पता लगे कि भैया ये तो नकली थे तो क्या होगा मेरे दोस्त, तो ये कह दिया जाएगा कि एक्स की बिगिनिंग से ही चीट करने की इंटेंशन थी, इसीलिए हियर वी कैन से दैट एक्स हैज चीटेड। चलिए अब चलते हैं हम आगे एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर। अगर ए बी को इंटेंशनली डिसीव करे और उसको ये विश्वास दिला दे कि भैया वो उसका पैसा वापस करेगा, चिंता मत कर भैया मेरा तो मार्केट में बहुत नाम है, तुम मुझे उधार देकर फंसोगे नहीं, ऐसा विश्वास दिला करके मिस्टर ए ने बी से पैसा उधार ले लिया, और जब ये पैसा उधार ले लिया पता लगा कि ऐसी मिस्टर ए की कोई इंटेंशन ही है, नो इंटेंशन टू पे रीपे,
उसकी कोई इंटेंशन ही नहीं है कि मैं इसे वापस करूंगा, नो इंटेंशन टू रिटर्न। उसने कहा भैया एक बार मेरी जेब में पैसा आ जाए बस, जिंदगी में हमने उसे वापस करना तो सीखा ही नहीं है। अगर ऐसी पोजीशन में मिस्टर ए सामने वाले व्यक्ति को इंड्यूस कर दें, उसकी बिगिनिंग से इंटेंशन क्या है, टू डिसीव हिम, तो क्या कहा जाएगा? ये कहा जाएगा कि यहां पर ए ने चीटिंग की है, राइट? अच्छा, इसी केस में मान लो जब उसने लोन लिया तो उसकी इंटेंशन थी कि हां मैं इसे वापस जरूर करूंगा। उस समय इसकी इंटेंशन क्या थी कि हां मैं वापस जरूर करूंगा, और उसके लिए उसने प्रयास भी किया, लेकिन उसको बिजनेस में बहुत लॉस हो गया और वो ये पैसा दे नहीं पाया, तो क्या इसे चीटिंग कहेंगे? इसे हम चीटिंग नहीं कहेंगे। चीटिंग वो होगी जो राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग उसके दिमाग में हो और उसने इंटेंशनली सामने वाले को डिसीव किया हो। आइए इसको और गहराई से समझने के लिए एक और ऐसा एग्जाम्पल करें जो होगा तो एक जैसा लेकिन थोड़े से फर्क के कारण एक चीज चीटिंग कहलाएगी और दूसरी चीज चीटिंग नहीं कहलाएगी। तो आइए इसकी शुरुआत करें। मैंने इसे दो पार्ट्स में बांट दिया है, एक है 7A और एक है एग्जाम्पल नंबर 7B। एग्जाम्पल नंबर 7A में एक्स ने वाई को इंटेंशनली डिसीव किया है, क्या कहकर के जी मैं आपको ना इंपोर्टेड ब्लूबेरीज बेचूंगा, इंपोर्टेड ब्लूबेरीज इतनी बढ़िया जो आपने जिंदगी में देखी नहीं होंगी, और आपके कस्टमर आपसे डिमांड ही करते रह जाएंगे, इसकी पूरा ट्रक बेचूंगा आपको, एडवांस दे दो बस मुझे। और ये कह करके सामने वाले व्यक्ति से एडवांस ले लेता है। और एक्स की बिगिनिंग से इंटेंशन क्या है भाई, ब्लूबेरीज कहां से आती है, इंपोर्टेड ब्लूबेरीज वो तो जिंदगी में नहीं देखी मैंने, और मैं कौन सा लाके देने वाला हूं, बस पैसे लेने हैं मुझे तो। राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग उसकी इंटेंशन क्या है, नो इंटेंशन टू डिलीवर इट। कहता है डिलीवर कौन करेगा भाई, इधर तो एडवांस जेब में आ जाए फिर देखो हम कैसे भागते हैं। तो अगर ऐसी पोजीशन आए दोस्तों राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एक्स की इंटेंशन क्या थी दोस्तों, चीट करने की, तो इसी इंटेंशन के साथ उसने काम किया, सामने वाले को बिलीफ दिलवाया, विश्वास दिलवाया कि भाई ऐसा होगा मैं तुम्हें लाके दूंगा, और फिर उसने उसे दिया नहीं। दिस इज व्हाट इज चीटिंग। बिल्कुल ऐसा ही केस, दूसरा केस आइए देखें। यहां पर ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मैं तुम्हें इंपोर्टेड ब्लूबेरीज लाके दूंगा, और ए ने अपने सप्लायर को ढूंढ भी रखा है इंपोर्टेड जहां से उसने लेनी है, और वो व्यक्ति उससे एडवांस ले लेता है विद एन इंटेंशन टू डिलीवर इट, कि जैसे ही वहां से मेरे पास आएगी तो भैया डिलीवर करूंगा मैं इसे, क्या दिक्कत है। अब बाद में पता लगा कि जहां से वो डिलीवरी आनी थी वो आई नहीं, एंड लेटर ऑन ही फेल्स टू डू सो, वो डिलीवर नहीं कर पाता। तो ऐसे केस में क्या एक्स की इंटेंशन बिगिनिंग से चीटिंग करने की थी, क्या उसे डिसीव करने की इंटेंशन से ही उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था? नो, नेवर। सो हियर ए हैज नॉट चीटेड, बट बिकॉज ही हैज एक्चुअली ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट, देर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम हिज साइड, दैट इज वाई ही विल हैव टू पे डैमेजेस। सो हियर ही इज लाइबल टू पे सिविल डैमेजेस बट ही इज नॉट क्रिमिनली लाइबल। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो क्रिमिनली लाइबल नहीं है, डैमेजेस देने पड़ेंगे उसे। अगेन नेक्स्ट पार्ट, एक और चीज आपके सामने लेकर हाजिर है। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में एक व्यक्ति रहता है मुंबई में और दूसरा रहता है दिल्ली में। मिस्टर एक्स जो कि दिल्ली, मिस्टर एक्स जो कि मुंबई में रहते हैं, वो वाई से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक्स एक बिल्डर है, जेड से उसने, सॉरी वाई से उसने कॉन्ट्रैक्ट किया और कहा कि जी आपका जो मकान है जो खराब हो रहा है उसकी हम रिपेयर करके देंगे आपको बढ़िया वाली। मिस्टर वाई का एक मकान है मुंबई में, अब इस मुंबई के मकान को रिपेयर कराने के लिए वाई ने सीधा किसको दे दिया ऑर्डर, एक मिस्टर एक्स को, कि जी आप जरा इसको मकान को देखो और इसको ना बढ़िया तरीके से बिल्कुल रिपेयर कराना।
एक्स ने कहा ठीक है जी कर देंगे बिल्कुल, क्या दिक्कत है, इतने पैसे लगेंगे, काम के बाद पैसे दे देना, ठीक है। अब काम वाम तो हुआ नहीं, लेकिन एक्स ने वाई को इन्फॉर्म किया कि साहब जो आपसे कहा था हमने कर डाला, आपका मकान पूरी तरह रिपेयर्ड है, आके देख लो। अब उसे भी पता था कि भाई आई ये वाई आ ही नहीं सकता, और वाई ने विश्वास करके उसे पैसा दे दिया। सो एक्स डिड नॉट रिपेयर्ड इट बट टोल्ड वाई दैट ही हैज डन इट। उसने कहा जी मैंने तो अपने कॉन्ट्रैक्ट का पूरा काम कर दिया, और उससे पैसे ले लेता है। हियर विद द इंटेंशन टू टेक मनी, कि पैसा मिल जाए बस देखी जाएगी बात बाद में, और उसने कह दिया कि मैंने आपका काम कर दिया। बाद में पता चला कि पैसा तो भैया दिया ही नहीं, और सॉरी काम तो उसने किया ही नहीं, वाई पे कर चुका है लेकिन एक्स ने कोई काम नहीं किया, दैट मीन्स एक्स हैज चीटेड। सो ऐसे पर्टिकुलर केस में जहां उसकी बिगिनिंग से चीटिंग की इंटेंशन थी, तभी तो उसने काम नहीं किया, अदरवाइज ही वुड हैव डन इट। तो यहां पर हमें इंटेंशन को चेक करना होता है। यहीं पर अगर मैं कह दूं कि एक्स ने काम शुरू किया, वो उस इंटेंशन से काम करना चाहता था, बहुत सारी चीजें हुई, प्रॉब्लम आ गई, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाया, तो फिर सिर्फ सिविल डैमेजेस होते। लेकिन अगर कोई केवल चीटिंग की इंटेंशन से ही ये काम करे, तो उसे कहेंगे कि वो क्रिमिनली लायबल है। चीटिंग कब कहलाएगी? जब बिगिनिंग से उसकी मैलाफाइड इंटेंशन होगी। ध्यान रखिए इस बात को, यही डिफरेंस हो जाएगा क्रिमिनल लायबिलिटी में और सिविल लायबिलिटी में। किए गए कॉन्ट्रैक्ट को पूरा न कर पाना चाहते हुए भी, दैट इज अ सिविल लायबिलिटी, दैट इज अ सिविल लायबिलिटी। लेकिन विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म, आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया और पैसे ले लिए, और काम तो आपने करना ही नहीं है भाई, आपने तो सामने वाले को धोखा देने के लिए ही यह काम किया था, दैट इज कॉल्ड चीटिंग। हियर दिस पर्सन इज क्रिमिनली लायबल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमें देखने वाली। चलिए आगे चलते हैं अब अपने नए एग्जाम्पल की ओर। यहां पर एक और क्रिमिनल लायबिलिटी का केस है, एग्जाम्पल नंबर 9। मिस्टर ए जो कि एक प्रॉपर्टी के ओनर हैं, इस प्रॉपर्टी के भाई साहब ये ओनर हैं। अब उन्होंने क्या किया, इसमें जो प्रॉपर्टी थी, ओनरशिप थी, वो कन्वे कर दी टू मिस्टर बी। अब बी के नाम उसने कुछ ना कुछ लिख दिया कि जी ये प्रॉपर्टी तो आपकी है, आपको मैंने कन्वे कर दी, ये ओनर है, इसने उस प्रॉपर्टी को कन्वे कर दिया। बट उसके दो ही दिन बाद वो करता क्या है, मिस्टर सी को इंटेंशनली डिसीव करने के लिए उससे वो पहले तो वो लोन लेता है, कैसे, बाय मॉर्गेजिंग दिस प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी जो उसने किसके नाम कर दी थी, मिस्टर बी के नाम कर दी थी, इसी प्रॉपर्टी के लिए वो क्या करता है, मॉर्गेज करके लोन ले लेता है। किसको, धोखा देने की नीयत से, सी को धोखा देने की नीयत से। तो दोस्तों हियर वी कैन से दैट मिस्टर ए हैज चीटेड। तो आपने इसे ध्यान से समझा, ये सारे के सारे एलिमेंट्स देखे। अब हम अपने सेशन में, नेक्स्ट सेशन में हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि जो भी हमने सारे के सारे एग्जाम्पल किए, इन्हीं में से वो जो डेफिनेशन है वो कैसे निकलेगी, इन्हीं एग्जाम्पल्स में से किस तरीके से हम सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ चीटिंग निकालेंगे, राइट। जितने भी एग्जाम्पल किए यहीं से सारी की सारी डेफिनेशन को फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, बट दैट विल बी डन इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन रिवाइज इट प्रॉपरली। बाय बाय।